तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों? आपको बता होगा, व्हाट्सएप ने अपनी नई टर्म एंड पॉलिसी को अपडेट कराया, जो कि फेसबुक के साथ लिंक करके किया है। उसमें साफ साफ लिखा गया है जो आपका डेटा है वो फेसबुक के साथ शेयर किया सकता है, सारी आपकी इन्फॉर्मेशन वहां पर सब कुछ शेयर होगी, आपका अकाउंट एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें शेयर होने का लिखा गया है। अगर आप अभी 8 फरवरी तक उसको चला पाएंगे विदाउट एग्री करें उस टर्म कंडीशन को, 8 फरवरी 2021 तक यूज़ कर पाएंगे, बट उसके बाद अगर आपको यूज़ करना होगा तो आपको उसको परमिशन देना होगी, जिसके लिए एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहें तो पूरी तरह से टर्म एंड पॉलिसी को समझना, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, चाहे तो आप वहाँ देख सकते हैं। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसी व्हाट्सएप की एक अल्टरनेटिव ऐप जिसका नाम है सिग्नल। सिग्नल ऐप ये बिल्कुल अल्टरनेटिव है व्हाट्सएप की, और व्हाट्सएप से कह सकते हैं बहुत ही अच्छी। ये भी एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन का, एंड टू एंड इनक्रिप्ट का काम करता है, मतलब कि जो मैंने भेजा है, मैंने आपको, मान लो मैंने किसी बंदे को कुछ भेजा है, तो मैं और सिर्फ वो बंदा ही पढ़ पाएगा मैंने उस ऐप के थ्रू क्या भेजा है। तो ये बिल्कुल एंड टू एंड इनक्रिप्ट रहता है, इवन उस ऐप सिग्नल ऐप भी उसको रीड नहीं कर पाएगा कि क्या चीज़ भेजा है। तो ये बिल्कुल सिक्योरिटी वाली ऐप है। आपने देखा होगा अभी फिलहाल इंस्टाग्राम पे, ये सॉरी फिलहाल ये ट्विटर पे और अदर सोशल साइट्स पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है सिग्नल ऐप, क्योंकि ये व्हाट्सअप का बिल्कुल सेम अल्टरनेटिव है। तो आज मैं दोस्तों इसी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे, कैसे आप इसमें आईडी बना पाएंगे और कैसे इसको यूज़ कर पाएंगे, कैसे मैसेज सेंड कर पाएंगे, ऑडियो वीडियो कॉल, डिसअपरिंग मैसेज एंड बहुत सारे इसमें मॉच फीचर हैं। तो एक एक फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरो और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टैक में। क्या हो जाना होगा, अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको जाना है आई स्टोर में, अगर आप एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं तो आपको जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में या आई स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च मारना है सिग्नल, तो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर नाम से आपको ऐप मिल जाएगी। इस ऐप का आइकन आपको दिख रहा होगा ये, इसके नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिख जाएगा इसमें 10 मिलियन प्लस उसमें डाउनलोड हो चुके हैं। और इसका रिव्यू देखेंगे इस ऐप का, तो 4.5 का ऐप का आपको रिव्यू मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं इस ऐप का रिव्यू 4.5 है, जो कि बहुत अच्छा है। इसके बाद कर लेते हैं इसको ओपन, आपको कर लेना है यहाँ से इसको ओपन। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ऐसा, परमिशन मांगेगा, आप कर लेना है इसको कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद इसको अलाउ कर देना है, तो आपको ये परमिशन मांगेगा, आप चाहें अलाउ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के आपको कर देना है इसको नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ये लॉगिन हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉगिन हो चुका है, मैंने कुछ नहीं करा, ये ऑटोमेटिक रीड करके ये पूरा लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर मांगेगा सबसे ऊपर आप अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हो, नीचे की तरफ आपको मिलेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपना डालने के लिए। जो भी आपकी ईमेल एड्रेस फर्स्ट नेम डाला होगा वो ऑटोमेटिक उठा लेगा, और लास्ट नेम चाहे तो आप ऑप्शनल डाल सकते हैं, ऊपर अपनी प्रोफाइल पिक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आप इसको कर दीजिए यहाँ से नेक्स्ट, या नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आपसे पिन बनाने को बोलेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट पिन बनाने को बोलेगा, 4 डिजिट का यहाँ पर आपको पिन बनाना है। कुछ भी आप पिन बना सकते हैं, तो आपको वापस उसको जो बनाया है उसको दोबारा री एंटर कर दीजिए एंड उसको कर दीजिए अगर आप नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा और उस ऐप को ओपन कर लेगा, क्रिएटिंग हो रही है पिन आपकी। तो ये सिक्योरिटी के पर्पस में आपकी पिन के साथ इसलिए यहाँ पर पिन यूज़ होगा। तो आप ये देख सकते हैं मेरा कंफर्म हो गया है पिन, और चाहे तो आप अपने मैसेज डिफ़ॉल्ट मैसेज के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप नहीं चाहते तो उसको यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। अब आप देखेंगे आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा, यहाँ सबसे ऊपर अगर आप दिख रहे होंगे एस की तरफ जाएंगे तो ये मेरा नाम सनी है इसलिए एस दिख रहा होगा, ये मेरा मोबाइल नंबर, मेरा नाम, SMS में इसको अलाउ नहीं करा, नोटिफिकेशन अलाउ है, यहाँ पर नोटिफिकेशन अलाउ कर रखी है। नीचे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर आप स्क्रीन लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉइड स्क्रीन लॉक और फिंगरप्रिंट को भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो उसको अलाउ कर दीजिए। स्क्रीन सिक्योरिटी ब्लॉक स्क्रीनशॉट इन द रिसेंट लिस्ट, स्क्रीनशॉट ब्लॉक करना चाहें तो ब्लॉक कर सकते हैं। इनकॉग्निटिव कीवर्ड यहाँ पर चाहो तो अलाउ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी यहाँ पर सिक्योरिटी वाली आपको दी हुई हैं, अलाउ रियली कॉल, आप देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर दिए होंगे। टाइपिंग इंडिकेट, कोई टाइपिंग कर रहा है तो उसका आपको इंडिकेट मिले ना मिले, रीड रिसीव रिसीव का आपको मिले ना मिले, आपको इसमें बहुत सारे आपको सिक्योरिटी वाले। अगर पिन चेंज करना हो तो आप यहाँ से पिन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, अपीयरेंस मिलेगा आपको, यहाँ थीम चेंज करना हो तो थीम चेंज कर सकते हैं। सिस्टम लाइट डिफ़ॉल्ट, मैंने डार्क यूज़ कर रहा था लाइट आ गई है, अगर आप लाइट यूज़ कर रहे होंगे सिस्टम को तो आपका लाइट आ जाएगी। लैंग्वेज चाहें तो यहाँ लैंग्वेज भी आप अपनी चेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये ऑप्शन बताता हूँ, उसके बाद इसको यूज़ बताता हूँ। यहाँ चैट एंड मीडिया जो भी आपकी डाउनलोड है, अगर आप नहीं चाहते कि मोबाइल डेटा से डाउनलोड हो तो आप यहाँ से उसको अलाउ बंद कर सकते हैं, जो कि सेम व्हाट्सअप में होता था सेम यहाँ पर दिया गया है। या इनविटेशन ग्रुप के लिए, चैट्स के लिए आपको साइज सेट करना हो तो यहाँ से बैकअप भी ले सकते हैं अपना। उसके बाद स्टोरेज में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा आपकी कितनी स्टोरेज, लाइक मैनेज स्टोरेज वाला जो ऑप्शन आता था वो है ये, एंड नीचे आपको हेल्प और एडवांस वाला जो ऑप्शन मिल रहा है ये सब मिल रहा होगा यहाँ पर। चैट स्टोरेज लिंक डिवाइस, तो यहाँ पर आप लिंक कोई भी डिवाइस होगी तो आपको यहाँ लिंक कर सकते हैं अपने डिवाइस को, तो ये कोई काम का फीचर नहीं है फिलहाल।
लिंक डिवाइस मतलब अगर आप अपने सिस्टम को चला लैपटॉप पे चला रहे हैं तो यहाँ से आप उसको स्कैन कर सकते हैं, मतलब बारकोड के थ्रू वहाँ लिंक कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर दिखेगा आपको। उसके बाद यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन दिया है, चाहे तो हेल्प ले सकते हैं, एडवांस में जाएंगे तो ज़्यादा कुछ है नहीं एडवांस में। उसके बाद चलते हैं दोस्तों मेन स्क्रीन पे, आप अब आ चुके हैं अपनी मेन स्क्रीन पे। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपको कैमरे का ऑप्शन और आपको यहाँ पेंसिल जैसा निशान मिल रहा है, तो आपको ये जाना है पेंसिल वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो नंबर मिल जाएंगे जो आप यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। तो मेरे यहाँ कोई भी यूज़ नहीं कर रहा, जितने भी मेरे नंबर हैं तो यहाँ पर कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तो कोई यूज़ कर रहा होता तो यहाँ पर दिख जाता लाइक एक यूज़ कर रहा है नोट टू सेल्फ। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर नोट टू सेल्फ मतलब ये मेरे ही नंबर यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरफेस आपको ऐसा दिख रहा होगा, या नीचे की तरफ आपको यहाँ पर लिए गए हैं, आपको स्माइलीज दी गए हैं, आप यहाँ से स्माइली भेज सकते हैं, या स्टिकर्स में जाएंगे तो आपको स्टिकर्स दिए गए हैं, यहाँ से अलग अलग स्टिकर्स भी सेंड कर सकते हैं आप। उसके बाद उस आप यहाँ मैसेज का ऑप्शन दिया है, उसके बगल में आप यहाँ कैमरे का निशान दिया है, कैमरे पर क्लिक करेंगे तो करेंट फोटो आप अपनी क्लिक करके यहाँ से सेंड कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके भी आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्लस के आइकन पे, तो यहाँ पर आपको गैलरी एक्सेस दी है, अपनी गैलरी से ले सकते हैं, GIF से आप अपने पास कोई एप्लीकेशन पड़ी हो तो आप वहाँ से सेंड कर सकते हैं, या नेट से डाउनलोड करके सेंड कर सकते हैं, मतलब मेमेज। उसके बाद फाइल में आएंगे तो कोई फाइल आपको सेंड करना हो तो डायरेक्ट यहाँ से फाइल सेंड कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट सेंड करना हो तो कॉन्टेंट सेंड कर सकते हैं, लोकेशन सेंड करना हो तो लोकेशन सेंड कर सकते हैं। तो सिग्नल आपसे यहाँ परमिशन मांगेगा तो यहाँ आपकी फ़ोटो भी दिख जाएगी, और बगल में कैमरे के बगल में आपको माइक वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो मतलब आप ऑडियो मैसेज भी यहाँ पर सेंड कर सकते हैं जो कि आप व्हाट्सअप में कर सकते थे। तो आपको यहाँ नॉर्मली क्या करना है, यहाँ टाइप करना और यहाँ से सेंड कर देंगे तो आपको ऐसा यहाँ इंटरफेरेंस दिख जाएगा। तो डबल टिक आ गया नाउ, मतलब मैंने रीड कर लिया, मैंने अपने आप को ही भेजा तो इसलिए ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ क्लिक करके आप देखेंगे तो यहाँ पर आप स्माइली से रिप्लाई कर सकते हैं, उस मैसेज पे पर्टिकुलर रिप्लाई बाय स्माइली आप देखेंगे, जैसे मैंने ये रिप्लाई कर दिया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आ चुका है, और क्लिक करके रखेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे स्माइली मिल जाएंगे जो से आप देना चाहें यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं स्माइली से। एंड ऊपर की तरफ आपको आई बटन पर जाएंगे तो आपको रीड वाला ऑप्शन जो कि ये मिल रहा है वो मिल रहा है, यहाँ पर कितने बजे रीड हुआ है सेम वही ऑप्शन मिल रहा है, या डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है, या कॉपी का, या रिप्लाई का, एंड यहाँ जाएंगे तो आप उस पर्टिकुलर चैट को सिलेक्ट कर सकते हैं जितनी आपको चैट सिलेक्ट करनी हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर मिला डिसअपीयर इन मैसेज का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा डिसअपीयर मैसेज कितनी देर बाद होना चाहिए, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, और मैक्सिमम आप देख सकते हैं 1 वीक तक। तो मैं कर लेता हूँ उसको 5 सेकेंड का, तो उसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद आपने यहाँ टाइप करा, यहाँ लिखा हाय, अब जैसे ही हाय लिखेंगे तो 5 सेकंड बाद आप देखेंगे टाइमर चल रहा है, और ये 5 सेकंड बाद बाय ऑटोमेटिक ये डिलीट हो जाएगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल ही डिलीट हो चुका है मैसेज, आप चैट वापस करी ना करी तो डिसअपीयरिंग मैसेज ऐसे काम करता है। उसके बाद यहाँ थ्री डॉट्स में जाएंगे तो आपको यह ऑल मीडिया का ऑप्शन मिल रहा है, जितनी भी यहाँ मीडिया रिसीव करी होगी इस कॉन्टेक्ट से आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद कन्वर्सेशन सेटिंग में जाएंगे तो आप चाहें तो यहाँ डिसअपीयरिंग मैसेज मैंने यहाँ से 5 सेकंड का रखा है, आप चाहें तो चेंज कर लीजिए। उसके बाद चैट कलर आप चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो कि ब्लू दिख रहा है, तो आप चाहें यहाँ पर जो सा आपको कलर चाहिए वो चेंज कर सकते हैं चैट पर्टिकुलर चैट का। उसके बाद नीचे की तरफ आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, कुछ चैट में सर्च करना हो तो यहाँ सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ थ्री डॉट्स में जाएंगे तो आपको हेड टू होम स्क्रीन में शॉर्टकट ले सकते हैं, और रीसेट करना हो तो रीसेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका, अब यहाँ इनवाइट करने के लिए बोल रहा है, ये देखिए ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर थ्री डॉट्स में जाएंगे तो आपको न्यू ग्रुप बना सकते हैं, मार्क ऑल रीड कर सकते हैं, इनवाइट फ्रेंड कर सकते हैं, सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग जो कि मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दी वो है, बस यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, यहाँ पर आप स्टेटस अपडेट नहीं कर सकते, यही चीज़ है। अब ये मेरे कॉन्टैक्ट आ गए हैं जो कि ये यूज़ कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा इतने सारे कॉन्टैक्ट लोग ये यूज़ कर रहे हैं, तो ये उनके नाम आ चुके हैं। अदर मैं इनको डालना चाहूँ तो इन्वाइट यहाँ से कर सकता हूँ, और बाकी किसी को इन्वाइट करना हो तो मैं यहाँ से इन्वाइट कर सकता हूँ। अगर आपको किसी को ग्रुप बनाना हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे थ्री डॉट्स में, न्यू ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर ग्रुप मेंबर को सिलेक्ट करना होगा, एंड देन वहाँ पर आप ग्रुप क्रिएट कर पाएंगे जैसे आप व्हाट्सएप पे क्लिक कर पाते थे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।